गाइस देखो थंबनेल और टाइटल से शायद आपको पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आईफोन 17 सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि भाई पहले 16 तो लॉन्च होने दो, उसके बाद में 17 के बारे में बात होगी। देखो गाइस, हमारे चैनल जो है वो लीक्स और रूमर्स देने के ऊपर है, तो यहाँ पर 17 से रिलेटेड एक अमेजिंग लीक निकल के आए, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लूंगा। और यहाँ पर गाइस कुछ तरीके के लोग वो भी है जो ये बोलते हैं कि भाई मैं जो ना सीधा कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, मतलब कुछ ऐसा रिसर्च नहीं होती, कोई सोर्सेज नहीं होती। देखो सिंपल सी चीज है भाई, 17 सीरीज के ऊपर आपको कौन सा चैनल ऐसा मिलता है जो एक लेजिटिमेट वीडियो बना के डालता है, आप जाके खुद देख लेना। मतलब ये कमेंट करने से पहले आप सोच लेना कि भाई फिर कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्योंकि लोग 16 सीरीज की लीक्स के बारे में बात कर रहे हो और मैं 17 सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं। एनीवेज गाइस देखो, ये लीक जो मुझे मिली ना, ये थोड़ी जेन्युइन लीक मेरे को मिली है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको प्रॉपर्ली इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गाइस देखो, एनीवेज आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में जो कैमरा फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे वो 16 सीरीज से भी काफी ज्यादा अपग्रेडेड हो सकता है, और इसमें एक फीचर ऐसा जबरदस्त मिलेगा जो 16 सीरीज के कैमरा डिपार्टमेंट को काफी पीछे छोड़ सकता है। जी हाँ, सिर्फ वो एक फीचर ऐसा। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि iPhone 17 Pro और Pro Max में हमें मैकेनिकल एपर्चर देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो ये फीचर को मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको देखो एक चीज बताता हूँ। आज के टाइम पे गाइस अगर आप iPhone के पोर्ट्रेट्स किसी भी दूसरे फोन के पोर्ट्रेट से कंपेयर करेंगे तो ज्यादातर लोग जो है दोस्तों वो यही बोलेंगे कि iPhone के पोर्ट्रेट्स इतने बेटर नहीं आते, जबकि एक्चुअल में बात ऐसे नहीं है। उसके पीछे भी पूरा एक लॉन्ग वीडियो बन सकता है उसको एक्सप्लेनेशन में, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पर बोलते हैं लोग कि iPhone के पोर्ट्रेट्स वो ज्यादा बेटर नहीं आते। अब आईफोन की वीडियोस तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा बेटर आती है, इसके पीछे क्या रीजन है कि जो लोग इस तरीके से बोलते हैं? तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि जो दूसरे फोन्स के पोर्ट्रेट है उसमें जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफी ज्यादा होता है। अभी एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज में जो 5x का ऑप्टिकल जूम दिया है, तो उसमें तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड ब्लर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन यहां पर फिर भी जो स्किन टोन है ये सब चीज है उसमें जो ना दोस्तों थोड़ा काम होना बाकी है। और जो दूसरा मेजर अपग्रेड है गाइस वो एपर्चर में है। जी हां, क्योंकि जब हम पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं फोन से या तो फिर इवन DSLR कैमरा से, तो एपर्चर जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि गाइस यहां पर अगर एपर्चर प्रॉपर आप सेट करते हो तो फोटोज जो है ना दोस्तों वो और ज्यादा बेटर आते हैं। अब दूसरे फोन में देखो क्या होता है कि आप एपर्चर पे स्विच कर सकते हो, लेकिन खास तौर से सैमसंग आईफोन इनके जो फ्लैगशिप फोन रहते हैं इसमें कंपनीज ने अभी तक ये फीचर नहीं दिया कि आप एपर्चर पे स्विच करो। जो एक एपर्चर बना के कंपनी दे देती है फोन के अंदर, भाई वही एपर्चर से आप फोटोज ले सकते हो। अब यहां पर देखो नक्शन में मैं आपको एपर्चर के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में जो आगे का फीचर मैं आपको बताऊंगा आईफोन 17 प्रो मैक्स का वो आप प्रॉपरली समझ पाओगे। जी हाँ, देखो यहाँ पर एपर्चर क्या होता है, जनरली एफ नंबर होता है, ज्यादातर कैमरेज में आपने देखा होगा कि वो एफ नंबर के ऊपर डिपेंड रहता है। अब एफ नंबर क्या होता है कि जितना छोटा एफ नंबर रहेगा, जितना छोटा एफ स्टॉप रहेगा, उतनी ज्यादा कैमरे की लेंस की ओपनिंग रहेगी, और जितना बड़ा एफ स्टॉप रहेगा उतनी छोटी कैमरे की लेंस की ओपनिंग रहेगी। अब इससे होगा क्या, देखो अगर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं अपनी एफ स्टॉप पे, तो यहां पर आप कैमरे की ओपनिंग को मैन्युअली कम बढ़ती कर सकते हो। अब अगर आपने कैमरे की ओपनिंग को ज्यादा बड़ा किया तो उससे बेनिफिट दोस्तों ये होगा कि जो लाइट कैप्चर है वो ज्यादा होगी और उसमें जो डिटेलिंग है वो काफी अच्छी आएगी। अब यहां पर देखो इससे फोटोग्राफी में जनरली एक फायदा ये होता है, जब भी आप एकदम एक्सपोज वाले सीन पे हो और वो टाइम पे अगर आपने अपने एफ स्टॉप को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो फोटो में जो ना दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सपोजर आ जाएगा और ऑब्वियसली फोटो बेटर नहीं लगेगा। या अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, अगर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर ज्यादा लाइट नहीं है और आपने अगर सही से उसको मैनेज नहीं किया तो फोटो में जो ना दोस्तों बहुत डार्कनेस आएगी। तो यहां पर ओवरऑल जो एक्सपोजर रहता है गाइस वो उसको जो ना दोस्तों प्रॉपरली हैंडल करता है। तो अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप एफ स्टॉप को मैन्युअली हैंडल कर लो, जिस तरीके से हमें खासतौर से DSLR में मिलता है, तो जो ओवर एक्सपोजर फोटोज है उसको आप जो ना दोस्तों एकदम प्रॉपरली अपनी जगह पर जो ना वो क्लिक कर सकते हो। अब ये जो ना दोस्तों पोर्ट्रेट्स क्लिक करने में बहुत ज्यादा काम आता है। अब DSLR में देखो ये चीज आप एडजस्ट कर सकते हो, लेंसेज में आपको मिलता है, आप अलग अलग एफ स्टॉप पे जा सकते हो, लेकिन आईफोन में दोस्तों ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सैमसंग में भी जो ना दोस्तों ऐसा नहीं है। तो आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में गाइस कंपनी ये ऑप्शन दे रही है कि ये जो एफ स्टॉप है ये सिर्फ बाय डिफॉल्ट एक ही नहीं रहेगा, कंपनी यहाँ पर 2 से 3 अलग अलग एफ स्टॉप देने वाली है, जिससे कि होगा ये कि आप सीन के हिसाब से एपर्चर को एफ स्टॉप को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से फिर आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। यहां तक कि देखो वीवो X100 प्रो देखा होगा आपने, वो एक्चुअली में पोर्ट्रेट क्लिक करने में काफी अच्छा फोन है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ होती है, और सिर्फ पोर्ट्रेट के लिए ही आईफोन से उसको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि मालूम है अगर कोई दूसरी चीज से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी वो नहीं जीत पाएगा। तो यहां पर गाइस देखो वीवो X100 प्रो में पोर्ट्रेट ज्यादा बेटर इसके लिए आते हैं, वो भी सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलरिंग, क्योंकि कलरिंग तो एकदम बेकार आती है X100 प्रो में, लेकिन फिर भी गाइस देखो उसमें ज्यादा बेटर इसके लिए आते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग कंपनी ने एफ स्टॉप दिए हैं, जिस तरीके से हमें DSLR में ऑप्शन मिलता है एफ स्टॉप चेंज करने का, तो इसकी वजह से गाइस वहां पर आप मैन्युअली एफ स्टॉप को चेंज कर सकते हो,
हो, जिससे कि जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफी जबरदस्त होता है। अब देखो आज के टाइम पे जो फोन है ना, खासतौर से जो एप्पल के फ्लैगशिप फोन है या सैमसंग के फोन है, उसमें एफ स्टॉप सिंगल ही है, लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लर फोन डिटेक्ट करता है वो एक्चुअली में सॉफ्टवेयर के बेस पर डिटेक्ट करता है। तो इससे होता क्या है कि वो प्रॉपरली डिटेक्शन नहीं हो पाता है, कभी बालों के इधर कभी कहीं पर जो ना दोस्तों वो एक्स्ट्रा ब्लर हमें देखने को मिलता है, जो प्रॉपरली बोके इफेक्ट है ना वो नहीं आ पाता है। लेकिन गाइज अगर डिफरेंट एफ स्टॉप मिल जाते हैं अगर फोन के अंदर, मतलब फोन में ही अगर आप कैमरे की ओपनिंग को मैन्युअली एडजस्ट कर पाते हैं, तो उसमें जो लुक आएगा फोटो में, जो पोर्ट्रेट फोटो आएंगे, इनफैक्ट जो पोर्ट्रेट वीडियो आएंगे, वो जो ना दोस्तों काफी जबरदस्त हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इनफैक्ट ये वीडियो भी आप देख रहे हो ना, तो ये भी पोर्ट्रेट वीडियो है जहां पर देखो बैकग्राउंड जो ना आपको थोड़ा सा ब्लरी निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर गाइज अगर मुझे अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स में ये ऑप्शन मिल जाता कि एफ स्टॉप को मैं अलग तरीके से मैन्युअली सेट कर पाऊं, तो ये जो ब्लर आप देख रहे हो ना, इसको आप और ज्यादा ब्लर कर सकते थे, यहाँ पर लाइट कैप्चर और ज्यादा आ जाता, मतलब ओवरऑल दोस्तों कैमरे का पूरा लुक ही जो ना दोस्तों वो चेंज हो जाता। तो यहाँ पर गाइज देखो ये एक फीचर है, लेकिन अगर ये एक फीचर कैमरे में आ जाता तो ये काफी अमेजिंग डिटेलिंग के साथ में आ सकता है, और ये हमें 16 सीरीज में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये ऐसी लीक है कि हमें आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर इसमें तो लॉन्च होने में काफी ज्यादा टाइम है, देखते भी आगे चल के कि सही में ये फीचर आता भी है या नहीं है। वैसे आपको अगर लगता है इसके बारे में मुझे जरूर से बताना। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।